कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? अब ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं, वैसे बना नहीं रहे। वहां से दो रे लेकर आते हैं, एक रे आई इस तरीके से, एक रे आई इस तरीके से। तो जब पैनल आते हैं तो कहां से निकलती है? फोकस से। तो नेचर पोजिशन साइज की बात कर लेते हैं। नेचर रियल इन्वर्टेड ही रहेगा, साइज हाईली डिमिनिश्ड। स्मॉलर वर्ड यूज करेंगे, स्मॉलर तब तक जब बियॉन्ड सीधा तो ऑब्जेक्ट कुछ तो बनाता है, ये तो हाईली डिमिनिश्ड होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा बहुत बड़ा, उसके कंपेरिजन में तो इमेज बहुत छोटी है, तो हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे इधर। हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। पोजिशन की बात करें, कहां बनी? एट एफ, एट एफ फोकस पर। क्लियर है? पोजीशन एट फोकस। तो इस तरीके से आपके सिक्स केसेस हो गए। अब इन्फिनिटी से बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं जाने का। हमने शुरुआत की थी मिरर के पास से, पीछे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और अब कहां पहुंच गए? इन्फिनिटी से पीछे कहीं जाएंगे नहीं। तो इतने सारे केसेस देख लिए, मतलब कॉनकेव मिरर में इतने ही केसेस पॉसिबल है। यानी इमेज कैसे कैसे बन रहे थे, मान लो कभी आता है कि एक मिरर है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है, एक मिरर है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है, तो दिमाग में क्या आएगा? भाई प्लेन मिरर हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लेन मिरर, क्योंकि वर्चुअल बनती है। अब उसमें कहते हैं नहीं नहीं वर्चुअल के साथ साथ बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल के साथ साथ प्लेन मिरर का ऑप्शन हट गया। क्या दिमाग में आएगा? कॉनकेव मिरर पक्का। सेम उसके साथ कॉनकेव मिरर में, जैसे किसी ने बोला इमेज सेम साइज की बनी है, इमेज तुरंत प्लेन मिरर दिमाग में आएगा, लेकिन बोल दिया सेम साइज की तो है बट रियल है, तो रियल है तो क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा क्योंकि उसमें तो वर्चुअल होती है, ठीक है।